हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारस डिफेंस शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल रहा है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस स्टॉक को मैंने शेयर किया था 238 के लेवल पे। क्यों शेयर किया था इस बात को हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बना था एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। और उसके बाद अगर देखेंगे तो 240 से स्टॉक ने आज 300 का हाई लगाया है। 299.90 का स्टॉक ने आज हाई लगाया और हम लोगों का जो टारगेट था, जो कि प्रीवियस 6 डेज पहले हम लोगों ने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें मैंने पोस्ट किया हुआ था, जो 300 का जो है हम लोगों का टारगेट होना चाहिए और ये टारगेट जो है आज अचीव हो गया। तो आई होप आप लोगों ने अगर पोजिशन लिया होगा तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिला होगा। जिन्होंने भी मिस किया इस स्टॉक को, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट किया था और लगातार जो है मैं अपडेट देते रहता हूँ, फिर चाहे वो IRFC का हो, RBNL का हो, BEL का हो या फिर और कोई स्टॉक हो, सभी स्टॉक्स के ऊपर जो है लगातार अपडेट हम लोग देखते रहते हैं। तो इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या फिर ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। इनकेस अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं और आपको ओनली कॉल चाहिए या फिर एग्जैक्टली आपको चाहिए जो किस लेवल पे एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, कब एंट्री ट्रिगर हो रहा है, कब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो आप जो है प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा स्टॉक का अपडेट जो है आपको वहां पे टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर अभी जो है आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग पारस डिफेंस शेयर के ऊपर। पारस डिफेंस शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक में आज जो है 10% से ज्यादा का तेजी देखने को मिला। आज वीकली क्लोजिंग भी था, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। स्टॉक 10% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है और लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो स्टॉक लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में 17% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, ये रिजल्ट आएगा कल यानी कि जो है 25 मई को ये रिजल्ट आने वाला है। तो कल मार्केट है बंद, सैटरडे हॉलीडे, तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा मंडे को, यानी कि 27th को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो है इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अगर आज पोजीशन को देखेंगे तो तकरीबन जो है आपको 7.5 मिलियन से ज्यादा 8.3 मिलियन वॉल्यूम जो है यहाँ पे ट्रेड हुआ है। इस टाइप का अनयूजुअल वॉल्यूम आपको बहुत कम टाइम देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों को देखने को मिला था 24th of August 2023 को, और उससे पहले अगर देखेंगे तो उससे पहले इतना हैवी वॉल्यूम हम लोगों को जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तभी देखने को मिला था। यानी कि एक हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने यहाँ पे आपको ट्रेड किया है रिजल्ट से जस्ट पहले। तो जिनको भी रिजल्ट प्ले करना होगा डेफिनेटली वो लोग पोजिशन लेके गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ और फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर और फिर हम लोग टेक्निकली भी लेवल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी के सबसे ऊपर अगर देखेंगे पी तो 102 का है, लेकिन 102 का पी जो है यहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 इयर्स के पी का एवरेज अगर देखेंगे तो 77.2 का है। तो ये अभी बहुत हाई ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा पी है, और डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। डिफेंस सेक्टर में अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स का पी जो है आपको हायर साइड पे ही देखने को मिलेगा। आइडिया फोर्ज 63 के पी पे ट्रेड कर रहा है, नाइव 200 के पी पे ट्रेड कर रहा है, MTAR जो है 80 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स का पी जो है हायर साइड पे ही दिखेगा, और हर कंपनी का अपना अलग स्पेशलिटी है। कम कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, तो इस वजह से जो है यहाँ पे एक हायर वैल्यूएशन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले एक बात और जान लेना चाहिए, पारस डिफेंस एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ये जो है आपको गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। मेजर जो है 4 सेगमेंट में ये कंपनी काम करता है, डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स,
डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। तो इस चार सेगमेंट में जो है मेनली कंपनी काम कर रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है एक अच्छा ग्रोथ हम लोगों को सेल्स का देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का रिजल्ट आया नहीं है क्वार्टर फोर का, क्वार्टर फोर का रिजल्ट कल आएगा। तो यहाँ पे जो है आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हम लोगों को कंपनी में देखने को मिल रहा है प्रीवियस फाइव ईयर से। 2020 में जरूर 147 करोड़ का था, उसके बाद आपको 2021 में 133 करोड़ का डिक्रीज हुआ, बट उसके बाद जो पिकअप कंपनी ने लिया है तो लगातार इस चीज को मेंटेन कर रहा है। एक और चीज अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और कंपनी लगातार नेट प्रॉफिटेबल है। एक हेल्दी मार्जिन के साथ जो है कंपनी आपको काम कर रहा है, 25-26% के मार्जिन के साथ जो है कंपनी लगातार काम कर रहा है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। यहाँ पे लगातार जो है रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, फिक्स एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास जो है 59% का होल्डिंग है, डीआईए के पास 2.75% का होल्डिंग है। डीआईए ने यहाँ पे स्लाइटली 0.02% बाई किया है, रेस्ट आपको पब्लिक के पास है 38% का होल्डिंग। पब्लिक में भी अगर देखेंगे एक जो HNI मुकुल महावीर अग्रवाल, ये इनका स्टेक जो है 1% से कम हो गया है या फिर ये एग्जिट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 1% से अगर ऊपर रहता है इनका स्टेक तो डेफिनेटली यहाँ पे शो होता। अगर यहाँ पे दूसरा बड़ा नाम देखेंगे तो अमित महाजन जी का है, जिनका जिनके पास के 1.79% है, शिल्पा महाजन जिनके पास 1.79% है। तो तकरीबन 3.6% का होल्डिंग इन दोनों के पास है, रेस्ट आपको रिटेल पब्लिक के पास है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर, चार्ट क्या बोल रहा है। हम लोग आ जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर इसलिए क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है और अब यहाँ पे आपको इस स्टॉक में क्लियरिटी मिल गया होगा, इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। इस लेवल को स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2.5 ईयर के बाद क्रॉस किया है। 2021 के नवंबर मंथ में स्टॉक इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था और अब जाके स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। डाउनसाइड से अगर देखेंगे तो लगातार जो है स्टॉक में एक हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। इस लो से ये लो ज्यादा ऊपर, वापस से देखेंगे तो ये लो ज्यादा ऊपर, तो लगातार एक हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और ब्रेकआउट एक हैवी वॉल्यूम के साथ दिया है। तो स्टॉक में इमीडिएटली हम लोगों को 1250 का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ये आपको कंप्लीट करेगा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और उसके बाद जो है हम लोगों को इस स्टॉक में 2000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डेप्थ है तकरीबन आपको 750-60 पॉइंट का। अगर इस लेवल को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोगों को 2000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं या विद इन मंथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको 6 मंथ to 1 ईयर का टाइम देना होगा, तब जाके आपको इतना बड़ा टारगेट अचीव होगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।